फ्रेंड्स मैं तारा अपने चैनल होम नीटिंग से फ्रेंड्स आइए आज हम ये पैटर्न बनाना सीखते हैं ये पैटर्न मैंने इतना बनाना सिखाऊंगी आपको ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने इसको जोड़ जोड़ के बनाया था बहुत साल पुराना है तो मैं आपको इसकी एक एक डिब्बी बताऊंगी और आप जैकेट में स्वेटर में कैसे इसको सेट करोगे वो भी आपको वीडियो में बताऊँगी तो मेरे होम नीटिंग चैनल पर मैंने आपको आ, स्टार्टिंग से क्रोशिया चलाना दिखा रखा है आपके पास वहाँ वीडियो पड़ी हैं तो आप जाके अगर आपको क्रोशिया चलाना नहीं आता तो आप वहाँ जाके देख सकते हो कि चैन कैसे बनानी है गांठ कैसे लगानी है डबल क्रोशिया कैसे बनाना है तो ये सब चीज़ें मैंने अपने चैनल पे बता रखी हैं तो अब आप इसको बिगनर भी आसानी से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं तो चलिए बनाते हैं और शुरू करते हैं तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले हमने ऊन ले लेनी है ऊन मेरी यहाँ पर नॉर्मल ऊल है ये देखिए जो नॉर्मल हम क्रोशिए वूल लेते हैं वो वाली है अगर हम प्लाई देखते हैं सो तो इसकी प्लाई हमारी यहाँ ये थ्री प्लाई वाली है और यहाँ पे ग्यारह नंबर का क्रोशिया है तो हमने क्या करना है सबसे पहले हम धागे में गाँठ लगाएंगे गाँठ लगाने के बाद इकतीस चैन डालूंगी मैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस इकतीस चैन डाल लूँगी तो देखिए इकतीस चैन होगी तो हमने क्या करना है इकतीसवीं चैन पे उंगली रख के यहाँ और तीन चैन और बनानी है क्योंकि हमें ये पैटर्न बत्ती में बनाना है तो यहाँ पे चैन तीन बना ली और डबल क्रोशिया कर लिया और हमारी इकतीसवीं चैन के अंदर हमने डबल क्रोशिया ऐसे बनाना है ऐसे बना लिया फिर हमने एक एक चैन के अंदर यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है जो हमारी बत्तीस चैन बनी है ये तो इनके अंदर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे तो यहाँ देखिए मैंने डबल क्रोशिया बना ली हैं बत्तीस ये मेरे बत्तीस हो गए हमने इकत्तीस की चैन डाली थी और इकतीस में भी अंगूठा रख के तीन चैन और डाल के हमने इकतीस में पे बनाया था तो हमारी बत्तीस हो गई तो अब हमने क्या करना है तीन की चैन बनाएंगे और इसको टर्न कर लेंगे ऐसे पलट लेंगे और दूसरे के अंदर यहाँ पे दो बनाए ये देख लीजिए दो बनाए हमने फिर अगले वाले में बनाएंगे तीन और फिर चार मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिए दो चार छ आठ दस बारह और एक तेरह तेरह डबल क्रोशिए बना लेने हैं देखिए तेरह डबल क्रोशिए बना लिए और यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात सात की चैन बनाएंगे और डबल क्रोशिया ऐसे घुमा लेंगे और यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है एक दो तीन चार पाँच छ छोड़ने के बाद सातवें के अंदर हमने ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है ये देखिए यहाँ पे तेरह डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने छोड़े और सात की हमारी चैन है और आगे भी हमने तेरह डबल क्रोशिया बना लेने हैं तो लास्ट में हमारा एक डबल क्रोशिया यहाँ तीन की चैन के ऊपर बनेगा तो यहाँ पे भी हमारे तेरह डबल क्रोशिया हो गए देखिए तेरह इस तरफ तेरह इस तरफ तो छब्बीस और छः बत्तीस हमारे डबल क्रोशिए में ये डिज़ाइन आ गया अब हमने तीन की चैन बनानी है तीन की चैन बनाने के बाद पलटेंगे और यहाँ पे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक ही हमारा चैन वाला हो गया तो दो तीन चार चार डबल क्रोशिया हो गए ये देखिए चार हो गए अब यहाँ पे हमने एक की चैन बनानी है और दो छोड़ देने हैं और तीसरे के ऊपर फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर उससे अगले पे दूसरा डबल क्रोशिया बनाना है देखिए चार डबल क्रोशिया बनाए दो छोड़े यहाँ पे एक की चैन ली और दो डबल क्रोशिए बनाए अब क्या करना हमने यहाँ पे हमारे दो चार पाँच डबल क्रोशिया हैं तो हमने यहाँ एक दो तीन चार पाँच पाँच की चैन लेंगे और यहाँ पे ऐसे करके हमने इसके अंदर जो ये हमारी सात की चैन है इसके अंदर हमने दस डबल क्रोशिए लेने हैं एक दो तीन चार ऐसे करके दस ले लेंगे पाँच तो दस की चैन ली हमने सॉरी दस डबल क्रोशिए और अब यहाँ पे पाँच की चैन ले लेंगे पाँच की चैन ली फिर हमने यहाँ पे देखिए वही पैटर्न करना है जो यहाँ पे हमने फॉलो कराया तो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः में के ऊपर हमने डालना है तो एक दो तीन चार पाँच छः छ के ऊपर हमने छः में के ऊपर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और आगे दो ये देखिए और अब फिर एक की चैन लेके हमने दो छोड़ छोड़ देंगे एक दो और यहां पे चार डबल क्रोशिया एक एक के ऊपर बना देंगे तो ये देखिए ऐसे आएगा पैटर्न ये देखिए चार चार साइडों में है और ये देखिए यहां पे ऐसा पैटर्न आएगा अब चार के ऊपर हमने चार डबल क्रोशिया डालने हैं एक एक करके तो तीन की चैन बना लेंगे एक दो तीन तीन की चैन बना के टर्न कर लेंगे और यहाँ पे अगले वाले में एक एक करके डबल क्रोशिया डाल लेंगे यहाँ पे देखिए चार के ऊपर हमने चार ही डालने हैं यहाँ पे ये चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने यहाँ एक की चैन बनाई ये देखिए एक की चैन बना लेंगे और यहाँ पे दो हैं हमारे तो दो के ऊपर दो बनाएंगे एक एक करके और यहाँ पे अब हमने एक बढ़ाना है देखिए ये हमारे तीन हो गए अब हमने एक दो तीन चार चार की चैन बनाएंगे और डबल क्रोशिया करेंगे देखिए डबल क्रोशिया किया और अब इसके अंदर डालेंगे यहाँ ऊपर नहीं डालने इसके अंदर ऐसे डालेंगे तो यहाँ हमने सबके अंदर एक एक करके ऐसे डालना है डबल क्रोशिया तो हमारे ये दस थे अब हमारे नौ हो जाएंगे ये देखिए चार और पाँच छ सात आठ नौ बीच बीच में डालने आपने ऊपर नहीं डालने ये देखिए नौ हो गए अब हमने एक दो तीन चार चार की चैन लेनी है डबल क्रोशिया करेंगे और एक यहाँ बढ़ाएंगे जैसे हमने पीछे बढ़ाया यहाँ पे एक बढ़ा और यहाँ पे इसके ऊपर दो के ऊपर जो दो डबल क्रोशिया है उनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया ऐसे तीन कर देंगे इनको और एक की चैन लेके और जो हमारे चार हैं इनके ऊपर भी हम एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे देखिए ये देखिए अब हमारा एक एक यहाँ बढ़ गया और यहाँ एक घट गया तो ये पैटर्न कुछ ऐसे आएगा अब हम मैंने क्या करना है वही रिपीट करूंगी तीन की चैन और पलट के चार के ऊपर हमने चार डबल क्रोशिया बनाने हैं एक एक करके एक हमारा चैन वाला हो गया और तीन हम और बनाएंगे एक एक के ऊपर ये देखिए एक चैन वाला हो गया और तीन के ऊपर हमने एक एक करके बनाया अब यहाँ पे एक की चैन बनाएंगे और यहाँ पे इन तीन के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है तो हमारे ये तीन हो जाएंगे तीन के ऊपर तीन बनाए और एक्स्ट्रा एक और बनाएंगे यहाँ हर बार एक बढ़ाते हुए जाएंगे तो हमारे चार हो गए अब हमने यहाँ तीन की चैन बनानी है क्योंकि हमने सबसे पहले पाँच की फिर चार की अब तीन की तो ऐसे करके हमने बीच में फिर हमने डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये देखिए आठ बन गया अभी इसके ऊपर और फिर हमने तीन की चैन बनानी है और यहाँ पे यहाँ आगे एक डबल क्रोशिया बढ़ाना है बना के यहाँ पे एक बढ़ाया और तीन के ऊपर हमने तीन एक एक करके डबल कोशिए बना देने हैं देखिए यहाँ ये यह देखिए यहाँ भी चार हो गए और यहाँ भी चार हो गए तो एक एक हमारा यहाँ पे बढ़ता हो जाएगा और साइडों के हमारे चार तो चार ही रहेंगे दोनों साइड यहाँ पे एक की चैन बनाएंगे एक की चैन बनाई और हमने चार के ऊपर एक एक करके चार डालने है। देखिए तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह बन के आएगा अब हमने क्या करना है फिर वही चार के ऊपर चार की चैन डालेंगे तीन चैन लेंगे और यहाँ पे दूसरे वाले के ऊपर बनाएंगे डबल कोशिया एक हमारी चैन का हो गया तीन हो गए और फिर अब आगे चार तो चार का चार और अब एक चैन बनाएंगे अब इनके ऊपर हमने एक एक डालना है चार हैं हमारे चार के ऊपर चार डालेंगे चार के ऊपर चार डाले अब यहाँ पे एक, एक एक्स्ट्रा डालेंगे तो हमारे पाँच हो गए और अब यहाँ हमने दो की चैन करनी है अब दो की चैन करके हमने बीच में डबल क्रोशिए से ये देखिए यहाँ पे बनाते हुए जाना अब एक एक तो यहाँ हमारे चार पाँच और एक सात हो गए ये देखिए सात बने बीच में ये घटते हुए जाएंगे और अब हमने दो की चैन बनानी है दो की चैन बना के एक, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बनाएंगे और बाकी हमने इनके ऊपर एक एक ऐसे ही बनाते हुए जाना है एक एक बनाएंगे इनके ऊपर और यहाँ पे एक की चैन ले लेंगे और फिर चार के ऊपर हमने चार बनाने तो यहाँ पे देखिए फिर हमने तीन की चैन डालनी है और वैसे ही पैटर्न को बनाते हुए जाएंगे जैसे हम बना रहे थे सिर्फ आपने यहाँ पे एक एक बढ़ाते हुए जाना जैसे मैंने दो तीन चार पाँच ऐसे बढ़ाते एक एक गई हूँ तो ऐसे ही जाना और आपने साइड में चार चार बनाने और यहाँ पे अब आपने दो दो की चैन रखनी है क्योंकि अब हम दो दो की चैन बनाएंगे जब तक हमारे यहाँ पे दो या एक पैटर नहीं रह जाता एक फंदा नहीं रह जाता डबल कोचिया तो मैं ऐसे ही बनाती जाऊँगी थोड़ा बना के फिर आपको दिखाती हूँ यहाँ पे एक तक की इसको कम्प्लीट कर लिया ये देखिए घटाने के बाद ऐसा लुक आ रहा है इसका यहाँ पर हमारा दो यहाँ पर एक एक रह गया था मैंने यहाँ पर एक एक की फिर यहाँ से जब तीन रह गए थे मेरे तीन तो यहाँ पे एक एक की चैन कर दी थी क्योंकि दो दो की ज़्यादा हो रही थी तीन के पास से तो यहाँ पे जाके एक हो गया और साइडों में हमारे एक एक बढ़ गए तो अभी यहाँ जाके मेरा लास्ट राउंड आई है तो लास्ट राउंड में मेरे कितने हो गए दो चार छ आठ दस दो चार छ आठ दस ग्यारह ग्यारह हो गए दो चार छ आठ दस दो चार छ आठ दस दस और यहाँ पे ग्यारह हो गए तो ग्यारह के बाद हमने क्या करना है यहाँ पे एक ही रह गया हमारा तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना यहाँ पे एक चैन लेनी है और इस साइड भी हमने ये देखिए इस साइड भी हमने एक बढ़ा देना है ऐसे ही और यहाँ पे लास्ट में हमने दस जो हमारे हैं डबल क्रोशिया उनको बना देना है और जो हमारे ये चार तक ऐसे ही बना देना जैसे हमारा पैटर्न बन रहा था तो देखिए यहाँ पे मैंने राउंड कंप्लीट करके फिर इसको चार के ऊपर चार बना लिए अब हमने दूसरी डिब्बी डालनी है यहाँ पे हमने तेरह पे स्टार्ट किया था ये हमने तेरह बनाए थे पहले हमने तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है देख लीजिए एक बार यहाँ पे एक की चैन बनाएंगे जो हर बार हम बनाते आए हैं और यहाँ पर दो बनाएंगे एक इसके ऊपर और एक ये क्योंकि हमने दूसरी डिब्बी पैटर्न स्टार्ट करना है ये देखिए दो बनाए तीन, चार पाँच छ सात आठ और एक नौ तो हम यहाँ नौ बनाएंगे नौ किस लिए बनाएंगे हम ये देख लीजिए एक बार यहाँ पे हमने तेरह में बनाए थे तो तेरह में हमने ये चार भी हमारे बीच में थे तब हमने चार यहाँ पे बना रखे हैं पहले ही तो हम यहाँ नौ बनाएंगे अब तेरह में से चार गए तो नौ हुए तो नौ हमने यहाँ पे बना लिए नौ बनाए अब हमने क्या करना है एक दो तीन चार पाँच नीचे हमने जो चैन ली थी वो हमने छः की ली थी यहाँ पे छः छः करके हमने देख लीजिए सॉरी सात की चैन ली थी सात कर लेंगे और यहाँ पे हमने छः छोड़ने हैं अब वही नीचे वाला रिपीट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ छोड़ देंगे और यहाँ पे देख ली एक बार गिन लीजिए यहाँ पे नीचे दो चार पाँच छे, छे छोड़ छोड़े थे तो छः ही हमने यहाँ पे डबल क्रोशिए छोड़ने हैं अपने ये यह देखिए यहाँ पे छः ही छोड़ने हैं और बाकी हमने नौ बना देनी है तो दो तीन चार पाँच छ सात तो देखिए यहाँ भी मैंने नौ बना लिए तो मैं आपको पैटर्न एक बार और समझा देती हूँ देखिए नीचे हमने तेरह बनाए थे तेरह में हमारे साइड के चार भी थे तो हमने तेरह में से चार निकाल दिए यहाँ पे क्योंकि हमने बना लिए यहाँ पे तो तेरह में से चार निकाले तो नौ हुए तो नौ हमने यहाँ पे डालने हैं नौ हमने लास्ट में डालने हैं और बीच में हमने छः छोड़ने हैं ताकि हमारा पैटर्न सेट हो तो।, तो हमारे नौ और नौ अठारह अठारह और छ चौबीस अठारह और छः चौबीस और नीचे आप जाएंगे इस पैटर्न को भी गिनेंगे तो ये भी चौबीस में आ रहा है बाकी हमारे फंदे एक्स्ट्रा हैं जो हैं आठ चार इधर चार इधर तो छ चौबीस और आठ अट्ठाईस अट्ठाईस और चार बत्तीस तो पैटर्न बिल्कुल सही है हमारा ये देख लीजिए और आपने ऐसे ही इसको कंटिन्यू करना है और ऐसे ही बनाना है अब आपको मैंने ऊपर डब्बी बता दी है आपने नीचे की तरह ऊपर भी ऐसे ही इसको फॉलो करते जाना और यहाँ एक ही चैन रखेंगे और यहाँ पे चार हमने डबल क्रोशिए बनाएंगे लास्ट में चैन के ऊपर भी हमने एक बनाना है तो ये देख लीजिए ये पैटर्न कुछ इस तरह आएगा तो आप ऐसे ही फॉलो करते हुए अपना पैटर्न कंप्लीट कर सकते हो और अगर आप इसको जैकेट में कंप्ली सॉरी जैकेट में डालना चाहते हो तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि बताऊंगी कि आप इसको कैसे सेट करोगे इतना पैटर्न आपका बत्तीस डबल क्रोशिए में है तो आप इसको बत्तीस में पहले आप बत्तीस चैन डालिए उसके बाद आप चार चैन लेस कर दीजिए क्योंकि आपको जब ये बत्तीस में डलेगा तो इसके आगे आपका इतना पैटर्न और आगे आएगा तो आपको चार लेस करने हैं बत्तीस में से तो अट्ठाईस आएंगे तो बत्तीस अट्ठाईस 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 ऐसे आप इसको पैटर्न को अपने किसी भी जैकेट मफरल किसी में भी आप डालना चाहें तो आप इसको आसानी से डाल सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको यूजफुल लगी हो और बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आगे भी कोई भी पैटर्न अच्छे अच्छे डालूँ तो आप तक वो सबसे पहले पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू